मंडेला इफेक्ट इस दुनिया का एक ऐसा फिनोमेना जिसने लाखों करोड़ों लोगों को हैरान कर रखा है। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो ज्ञान मिलने वाला है जो शायद आपका पूरा नज़रिया ही बदल देगा इस दुनिया को देखने का। मंडेला इफेक्ट हम उस घटना को कहते हैं जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर होते हैं कि ये घटना हो चुकी है और मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। बट जब आप उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसी कोई चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्पल के लोगों को तो देखा होगा जिसमें सेब में एक कट बना हुआ है। एक दिन आप सोकर उठते हो और अपने चारों ओर देखते हो कि वही कटा हुआ एप्पल का लोगो पूरा एप्पल बन गया है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप इस चीज़ के बारे में गूगल पे सर्च करते हो बट वहाँ पे भी आपको एप्पल कंपनी का लोगो पूरा एप्पल दिखाता है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप क्या फील करोगे? और जब आप सबको बताओगे कि एप्पल कंपनी के लोगो में एक कटा हुआ एप्पल था, तो उसके बारे में आपके सभी दोस्त आपके ऊपर हंसेंगे और ये एक चीज़ बोलेंगे कि ये क्या मजाक कर रहे हो, एप्पल का लोगो तो हमेशा से ही पूरा एप्पल था। दोस्तों, इस समय जो आप फील करोगे वही सेम चीज़ दुनिया में बहुत से लोग फील कर चुके हैं, सिर्फ कुछ हज़ार दो हज़ार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसको देख के आपका दिमाग आपसे सिर्फ एक ही शब्द बोलेगा, समझ में आया क्या? दोस्तों, इस घटना का पता हमें तब चलता है जब साल 2013 में नेल्सन मंडेला की डेथ की खबर पूरी दुनिया के सामने आती है। दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला की डेथ 2013 में ही हो चुकी थी। आप चाहे तो दोबारा सर्च करके देख सकते हैं। मेन चीज ये है कि दुनिया में बहुत से लाखों लोग ये क्लेम करते हैं कि नेल्सन मंडेला की मौत साल 1991 में ही हो गई थी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने 1991 में नेल्सन मंडेला के फ्यूनरल सेरेमनी तक को भी देखा है। दोस्तों, मेन ट्विस्ट तब आता है जब हमारे पास साल 1991 का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें साफ रूप मिलता है कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1991 में हो चुकी थी और इसके बारे में एक खबर भी छापी गई है। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी घटना लाखों लोगों ने देखी, वो झूठ कैसे हो सकती है? अगर ये बात दो या चार लोग भी कहते हैं तो भी लोग उसे झूठ मानते हैं, लेकिन लाखों लोग तो झूठ नहीं हो सकते। और दोस्तों, इसी वजह से इस घटना का नाम मंडेला इफेक्ट रखा गया है। मंडेला इफेक्ट का नाम नेल्सन मंडेला के नाम से ही बना है। नंबर टू, शहंशाह मूवी डायलॉग। अगर आपने शहंशाह मूवी देखी है तो आपने उसमें एक फेमस डायलॉग देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अगर आपको लगता है कि मूवी में भी यही डायलॉग है तो एक बार इस क्लिप को ध्यान से देख लीजिए। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये क्लेम करना है कि इस मूवी के डायलॉग में लगते वर्ड था। अगर मुझसे पर्सनली पूछे तो मेरे को भी बचपन से यही लगता है कि इस डायलॉग के अंदर लगते वर्ड था। क्या दोस्तों ये सच में एक इत्तेफाक है या ऐसा कुछ रियलिटी में था? और ऐसी ही सेम घटना हमें स्टार वॉर्स की एक मूवी में देखने को मिलती है। दोस्तों, स्टार वॉर्स मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि ये है कि ल्यूक, आई एम योर फादर। जब आप इस मूवी की क्लिप को देखेंगे तब आप एक चीज नोटिस करेंगे। पहले आप क्लिप को देखिए। He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. अगर आप ध्यान से इस सीन को देखेंगे तो इस सीन में ल्यूक वर्ड है ही नहीं, उसकी जगह वह कैरेक्टर बोलता है नो आई एम योर फादर। तो उसे ये भी बहुत बड़ी घटना थी। बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि इस मूवी का डायलॉग ये है कि ल्यूक आई एम योर फादर, ना कि नो आई एम योर फादर। बट दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे गूगल भी कर लो आपको यही स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। नंबर थ्री, कोका कोला सिंबल। दोस्तों, आप मुझे बताओ कि कोका कोला का असली सिंबल कौन सा है? क्या ये वाला या ये वाला या फिर ये लास्ट वाला?
अगर आपको भी ये वाला लोगो लगता है जिसमें कोका कोला के बीच में एक इटालियन डैश बना हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। एक्चुअली लाखों लोगों ने भी यही वाला लोगो सेलेक्ट किया था जब उनसे कोका कोला के सिंबल के बारे में पूछा गया। बट दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट है, आप चाहे गूगल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कोका कोला के लोगो में ना वो ये वाला डैश था ना ही वो वाला डैश था। आप चाहे तो गूगल पे इन इमेजेस को देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही सेम किस्सा किटकैट चॉकलेट के साथ हुआ। जब लोगों से पूछा गया कि किटकैट का असली लोगो कौन सा है, बहुत से लोगों को मानना था कि ये वाला लोगो किटकैट का असली लोगो है, नहीं था। आप चाहे तो कंपनी की सभी इमेजेस को देख सकते हैं, आपको एक भी डैश नहीं मिलेगा। दोस्तों बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस घटना को एक पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए बताते हैं। पिकाचू रियल इमेज। आपने पोकेमोन के फेमस कैरेक्टर पिकाचू को तो देखा ही होगा, क्या आप बता सकते हैं कि इन दो इमेजेस में से पिकाचू की असली इमेज कौन सी है? अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो वो फोटो असली लग रही है जिसमें पिकाचू की पूंछ के पास एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी हुई है। दोस्तों पोकेमोन के क्रिएटर तक भी मानते हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी पिकाचू के पूंछ पे ये ब्लैक स्ट्राइप नहीं बनाई। अगर आप पिकाचू की सभी इमेजेस को देखें जो ऑफिशियली पोकेमोन द्वारा रिलीज की गई है, उसमें से आपको एक भी फोटो में पिकाचू की पूंछ पे स्ट्राइप नहीं देखने को मिलेगी। बट कमाल की बात यह है कि पिकाचू की पूंछ पे कभी ये स्ट्राइप थी ही नहीं। बट ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों को लगा कि इस पिकाचू की पूंछ पे एक स्ट्राइप थी? दोस्तों बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि ये चीज पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा वेरीफाई करती है, जिसमें एक यूनिवर्स में कोका कोला के सिंबल में डैश हो सकता है और दूसरे में डैश नहीं हो सकता, और किसी यूनिवर्स में कोका कोला का सिंबल ग्रीन हो सकता है, किसी में ब्लू हो सकता है, किसी के बीच रेड कलर की स्ट्राइप हो सकती है, किसी के में ब्लू कलर की स्ट्राइप हो सकती है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी सोचेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी आपको नजर आएंगी। और कुछ लोग ये मानते हैं कि फ्यूचर से ऐसा कोई बंदा है जो टाइम ट्रैवल करके पास की चीजों को बदल रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर हफ्ते वैल्यूएबल कंटेंट वाली वीडियोस मिलती रहती हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के सभी स्टेटस के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमें फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।